हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अल्कोहल का प्रिपरेशन, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वहाँ तक देख लिया था। आज हम लोग उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे कि अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, उनके कुछ रिएक्शंस देखेंगे। वो जो प्रॉपर्टी है ये किसी भी कुछ भी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था हेलो एल्केन और हेलो एरीन में, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट थे जितना कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्कोहल का प्रॉपर्टी। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अल्कोहल का वो ये है कि वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। अल्कोहल कैन एक्ट एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को लव करता है, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच होगा वहाँ पे जाके वो अटैक करेगा, क्योंकि ये खुद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये EU जो है इसको डिनोट करने का तरीका होता है, इलेक्ट्रोफाइल को डिनोट करने का तरीका होता है। इसे पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, जिसके कारण ये कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज पे। और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है अल्कोहल। न्यूक्लियोफाइल तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, उसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन पहले से ही होता है, तो वो वहाँ अटैक करना पसंद करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है। क्योंकि अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले जगह पर ये अटैक करता है तो इसके पास पहले से ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, अगर वो वहाँ अटैक करेगा रिपल्शन बढ़ जाएगा, जिसके कारण रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं कर पाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों ही की तरह ये अल्कोहल बिहेव करता है। दूसरा है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल जो होता है वो एसिडिक होता है। उसके एसिडिक कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि मेटल के साथ रिएक्ट करने पे क्या होता है, और जैसे कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री डिफरेंट अल्कोहल्स में एसिडिटी की बात करेंगे। तीसरा इस्टरीफिकेशन रिएक्शन है, जो कि समझने वाला कम, याद कर लीजिएगा ये इस्टरीफिकेशन रिएक्शन। उसके बाद चौथा है ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। तो ये बस 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम लोगों को अभी देखना है, तो हम लोग एक एक करके डील करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि अल्कोहल कैसे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि अब आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करना है और कब न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करना है? एक बात मैं बोलना चाहूँगी, जो कमेंट करते हैं कि हिंदी में पढ़ाइए, तो अगर आप बुक लेके बैठोगे तो वही सीरीज़, मैं उसी सीरीज़ में जा रही हूँ। अब यहाँ पे हिंदी में CH3 को तो CH3 ही लिखा जाता है ना, उसको तो चेंज नहीं किया था, तो उतना आप समझ सकते हो, 12th में आ गए हो कि हाँ यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ आप अपने वर्ड में आप उसको क्या बो, मिथेन को तो मिथेन ही बोलेंगे ना, उसको तो चेंज नहीं करेंगे, बस रिएक्शन का नाम वहाँ पे चेंज हो जा रहा है। तो वो आप देख सकते हो, रिएक्शन देख के समझ सकते हो, आपको तरीका समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है रिएक्शन में, मतलब कि किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करने वाला है, ये तो समझ में आ जाएगा आपको, तो आप वैसे पढ़ सकते हो। तो चलिए अब देख लेते हैं, पहला अल्कोहल जो है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करेगा, कैसे करेगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो फर्स्ट आ गया इलेक्ट्रोफाइल देखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल फिर जान लीजिए क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है और वो वहाँ अटैक करना पसंद करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि उसके पास नहीं है तो वहीं अटैक करेगा ना जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल आप कैसे पहचानोगे कि कैसे हो रहा है, तो जब अल्कोहल का पहचानना है तो OH तो प्रेजेंट होना ही है, कार्बन चेन के साथ ही प्रेजेंट होना है, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं हम लोग। तो जब भी कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा तो उसको हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि वो जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देगा। इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देगा। वो कैसे, तो देखिए ये जान लीजिए कि जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा अल्कोहल में, तो वहाँ एसिडिक मीडियम होगा। तो जब अल्कोहल एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है तो क्या होता है, एक H+ अटैक करेगा। तो क्या ROH पहले से प्रेजेंट था, ROH पार्ट वाला जो था वो पहले से प्रेजेंट था, और ये H+ जाके अटैक करता है, ये H+ यहाँ अटैक करेगा। उसके बाद ये क्या हो गया, H2O बन गया। H2O जो होता है वो बहुत बेटर लीविंग ग्रुप होता है, वो किसी भी ग्रुप को तुरंत छोड़ के जा सकता है, लीविंग ग्रुप बहुत अच्छा होता है। ऐसे हम लोगों ने वहाँ देखा था हेलो एल्केन में सीरीज ऑफ लीविंग ग्रुप, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, उसी तरह H2O बेटर लीविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ से H2O निकल जाएगा और R+ क्योंकि कार्बोकैटायन बन जाएगा। उसके बाद उस पर हम लोग किसी भी चीज़ की रिएक्शन जो है कुछ भी लेके करवा सकते हैं कार्बोकैटायन बनाने के बाद। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। याद रखिएगा दो चीज़ कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा इलेक्ट्रोफिलिक, जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह वो एक्ट करेगा, और दूसरा कि ये जो कार्बोकैटायन बनेगा हमेशा इलेक्ट्रोफाइल में और ये एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में होगा। ये 3 बातें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो अब देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे बिहेव करेगा अल्कोहल। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा था, और यहाँ पे क्या होगा, ओ
OH जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा. तो हम लोग जान जाएंगे कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे. तो इस न्यूक्लियोफाइल का पहचान बहुत ईजी है. इसी तरीके से जो हम लोगों का तीसरा प्रॉपर्टी था जो था एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स, वो इसी से लिंक्ड है. जहाँ पे भी एसिडिक कैरेक्टर की बात आएगी एल्कोहल की, वो मेटल से रिएक्ट करेगा और मेटल से रिएक्ट करके अपना OH बॉन्ड ही तोड़ेगा न्यूक्लियोफिलिक, यानी कि वहाँ पे भी वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देगा. जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है 2ROH प्लस 2Na, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा जो 1A और 2A मेटल्स होते हैं. तो यहाँ पे सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और क्या होगा कि ये किस बॉन्ड को तोड़ना है हम लोगों को, O और H के बॉन्ड को. तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ से H जो है वो H2 बन के निकल जाएगा, ठीक है, गैस की फॉर्म में. और यहाँ पे 2RO और Na कंबाइन कर जाएगा. कितना ईजी था पहचानना ना. एक बार फिर से इस ट्रिक को देखेंगे हम लोग कि कैसे अल्कोहल जो है एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है 2ROH प्लस 2Na, कोई भी एक्टिव मेटल होगा. उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक में क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला कि एसिडिटी जो है वो न्यूक्लियोफाइल का ही एक पार्ट है, मतलब हम लोग समझेंगे कि वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है तो OH बॉन्ड टूटना है. तो यहाँ पे हम लोग OH बॉन्ड जो है इसको तोड़ देंगे और क्या निकालेंगे, जब भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो हाइड्रोजन निकलता है, ये सब जानते हैं. तो ये H जो है निकल जाएगा और क्या बचेगा, ये H को आप यहाँ से हटा दो तो रिएक्शन का आंसर उसी में है. ऐसे ये ट्रिक है कि याद करने का. तो क्या हो गया 2RO Na और H2, ठीक है. तो कितना आसान था याद करना. अब अगर जैसे कि बिहार बोर्ड के बच्चे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप बस बुक लेके बैठो, मैं सीरीज़ में ही बता रही हूँ, जैसे जैसे बुक में है वैसे ही बता रही हूँ. बस आपको वर्ड्स समझना है आपको कि अभी मतलब कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता. और इसको आप क्या सोडियम को क्या बोलते हो, हिंदी में सोडियम ही बोलते हो ना, तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है. आप उतना समझ सकते हो, अगर आप कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा. और एक और बात मैं बताना चाहूँगी बिहार बोर्ड के बच्चों को कि मेरा चैनल है ईजी स्टडी क्लासेस, उस पर आप लोगों को अब से इंग्लिश, आपके जो क्लास 12 का इंग्लिश है उसका सारा वीडियो आपको मिलेगा समरी के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ. तो मेरा चैनल है ईजी स्टडी क्लासेस, आप वहाँ पर आ सकते हो, देख सकते हो, सारे नोट्स भी मिल जाएंगे जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे. क्योंकि इंग्लिश जो है वो स्कोरिंग पेपर है और CBSE के बच्चे, उनको मैं बोलना चाहूँगी कि फाइन आर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन दोनों के वीडियोस नोट्स के साथ मेरे चैनल पे अपलोडेड है ईजी स्टडी क्लासेस पे, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हो. तो अब यहाँ पे आप लोग समझ गए हो कि कैसे रिएक्शन याद करना है. बस अगर आपको देखना है एसिडिक कैरेक्टर है तो आपको क्या करना है, H निकाल देना है. तो यहाँ पे बस देखो इस पे हाथ रख दो, बस समय याद हो जाएगा रिएक्शन 2RO Na प्लस H2, बस यही रिएक्शन था. अब हम लोग देखते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर में बस इतना ही नहीं, आगे भी कुछ है कि OH जो है वो पोलर बॉन्ड है. तो इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों की जो एसिडिटी है वो अलग है और किस तरीके से डिक्रीज़ इंक्रीज़ करती है, क्यों करती है, वो ऑर्डर देखेंगे. और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है तो हम लोग वो पढ़ेंगे और उसका रीज़न जानेंगे. तो अब एसिडिक कैरेक्टर के बारे में अगर आपसे बोला, मतलब कि बताइए सीरीज़ क्या है, कुछ दे देगा आपको, बहुत सारा अल्कोहल दे देगा, बोलेगा कि बताइए कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है. तो एसिडिक कैरेक्टर हम लोग इंडक्टिव हाइपर कंजुगेशन से देखते हैं, पर यहाँ इंडक्टिव से भी काम चल जाएगा. तो इंडक्टिव GOC का पार्ट है. तो इंडक्टिव क्या होता है कि जहाँ जो भी R ग्रुप, जो भी मिथाइल ग्रुप जो होते हैं, कार्बन चेन वगैरह होते हैं, वो प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं. मतलब वो जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, मतलब अगर कुछ भी लगा हुआ होगा यहाँ पे जो ग्रुप, उसके रेफरेंस में वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, उसको इलेक्ट्रॉन देंगे. याद रखिएगा कि जो भी R मतलब CH2 जो भी मिथाइल वगैरह होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, उनमें प्लस आई इफेक्ट लगता है. और एसिडिक कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से ख़राब हो जाता है. तो यहाँ पे 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री है. तो 1 डिग्री में कितना, ज़्यादा लंबा कार्बन चेन नहीं, दो मतलब एक दो हो सकता है, तो इसमें कम लगेगा प्लस आई इफेक्ट. यहाँ पे दो हो, यहाँ पे दो तीन मतलब 2 डिग्री बना के हम लोग ज़्यादा कार्बन चेन है तो इसमें जो है प्लस आई ज़्यादा लगेगा इसके कंपेयर में, और 3 डिग्री में तो बहुत ज़्यादा लगेगा. तो क्या हो गया ऑर्डर, सबसे ज़्यादा एसिडिक 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री. अगर आपको ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री चेक करना आ रहा है तो आप ये प्लस आई भूल भी जाते हो. बस इतना याद रखो कि मिथाइल मतलब जो भी अल्काइल पार्ट होते हैं, मिथाइल वगैरह, उनका जो होता है प्लस आई इफेक्ट लगता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं. तो अगर आप इतना ही याद रखोगे कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी के होते हैं तो आप इसको एग्जाम में अच्छे से सॉल्व कर पाओगे. क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन देगा हम लोग, जो क्वेश्चन करेंगे NCERT का, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहाँ पे पूछेगा कंपेयर करने के लिए कि कितना कौन एसिडिक होता है. तो हम लोगों ने देख लिया एसिडिक कैरेक्टर. अब थर्ड रिएक्शन पे आते हैं, एस्टरिफिकेशन.
एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, अल्कोहल जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड के साथ, यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, तो एसिड हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है। तो पहले अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला सबको पता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो क्या होगा यहाँ पे कि ये जो आर सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ से H2O आपको हटाना है। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आपको H2O को एलिमिनेट करना है। तो ये रिएक्शन याद करने का तरीका है कि आर सी डबल बॉन्ड ओ से H आप हटा दोगे और यहाँ से OH हटा दोगे तब H2O बनेगा। यहाँ से H हटाना है और यहाँ से OH हटाना है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से H और अल्कोहल से OH हटाओ और R को यहाँ पे चिपका दो, तो क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश, जो कि इथर का फॉर्मूला होता है और क्या लिब्रेट करना था, H2O। तो बहुत अच्छे से याद होने का तरीका हो गया ये कि बस आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या करना है, H को हटा देना है और यहाँ पे जो है कि आपको R लाना है और यहाँ से OH हटाना है, ठीक है। बेसिकली आपको H2O लिब्रेट करना है। दूसरा जो है वो एसिड एनहाइड्राइड है, जिसका फॉर्मूला होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ठीक है। आर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम लोग एसिड एनहाइड्राइड के साथ करवाएंगे तो ये पहले दो, जैसे कि ये ओ आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ फिर आर सी डबल बॉन्ड ओ, इसको बीच में से डिवाइड करके याद करो कि आर सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ तक आप लिख के उसके बाद यहाँ वाला आर जो है यहाँ आके चिपक जाएगा, ठीक है, और ये जो ओ है वो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर ये आर सी डबल बॉन्ड ओ और जो एच ओ एच होगा वो आके यहाँ पे आ जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे हम लोग कि पहले जो अल्कोहल और एसिड एनहाइड्राइड में हम लोग पहले इतना भाग कवर कर लेते हैं, ठीक है। आर सी डबल बॉन्ड ओ से ये ओ आर बस आके चिपक जाएगा, ओ आर इसका ओ आर चला जाएगा और ये ओ आर आपको इतना हटा देना है। उसके बाद ये जो बचा हुआ पार्ट है उससे जो इसका ओ एच बचा वो आके यहाँ पे लिख जग जाएगा, ठीक है। यहाँ से बस यहाँ पे क्या आएगा, ओ आर आ जाएगा और वहाँ पे जाके ओ एच चिपक जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है एसिड हैलाइड के साथ रिएक्ट करना। एसिड हैलाइड होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। तो इसमें बहुत ईजी है याद करना, ये क्लोरीन आपको हटाना है, यहाँ से एच हटाना है, अल्कोहल से एच और यहाँ से क्लोरीन, तो ये तो एच सी एल बना दिया और जो बचा हुआ पार्ट है वहाँ चिपका दो, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश बन जाएगा। तो बहुत ईजी था एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। अगर आप मेरा बताया हुआ अभी ट्रिक याद रखोगे तो एग्ज़ाम में कोई मुश्किल नहीं होगी, तो आप रखते रहोगे आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश इस टाइप से। तो बस ये ट्रिक याद रख लो तो आराम से हो जाएगा। बस आपको नाम याद रखने कि किसको क्या बोलते हैं, किसके साथ रिएक्शन में क्या एलिमिनेट हो रहा है, क्या बन रहा है, तो आसानी से हो जाएगा। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे और अल्कोहल के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे, जो कि लास्ट पार्ट है बस अल्कोहल के। अल्कोहल अब हम लोग पूरा फिनिश करने वाले हैं। तो अब आ चुके हैं लास्ट रिएक्शन पे जो है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, आपको बस याद रखना है कि जहाँ भी 1 डिग्री अल्कोहल है अगर आप उसको ऑक्सीडाइज़ करते हो तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब वो CrO3 PCC किसी की प्रेजेंस में भी हो सकता है, आप वो देख लेना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब भी बस मैं ट्रिक बता रही हूँ कि आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज़ करेंगे तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, 2 डिग्री को करेंगे तो वो कीटोन में कन्वर्ट होगा, और 3 डिग्री जो होता है वो नहीं देता है ऑक्सीडेशन, याद रखिएगा, वो एल्कीन बना देता है। 3 डिग्री जो है ऑक्सीडेशन नहीं देता है, रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन करता है और वो एल्कीन बना लेता है। और अगर जैसे कि आप जैसे कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज़ कर रहे हो तो वो एल्डिहाइड बना दिया, ठीक है। अब उसको आप फर्दर ऑक्सीडाइज़ करोगे तो वो कीटोन नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बस एक ही आपको याद रखना होगा कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज़ करके एल्डिहाइड और एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज़ करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस आपको देखना है कौन सा डिग्री अल्कोहल है, उसके बाद आपको उसका ऑक्सीडेशन करके प्रोडक्ट बना देना है। तो बस इतना ही था अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो एक बार बस अगर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मैं फिर कहूँगी कि आप एक बार बुक लेके बैठो, आपको सब समझ में आएगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और कुछ भी कोई भी किसी भी तरह का। तो अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो अच्छे से तो ड्रीम क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको आगे के सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल बटन दबाइए। थैंक यू।